कुवैत में मजदूरों के आवास वाली इमारत में आग लगने के बाद मंडी जिला के बल्ह निवासी धनदेव पिछले 16 दिनों से लापता है। बता दें कि बल्ह उपमंडल के बडसू का रहने वाला धनदेव पिछले 7 सालों से कुवैत में मोटर मैकेनिक का काम करता था। समय समय पर धनदेव घर भी आता जाता रहता था। बीते साल पिता के देहांत के बाद 9 माह पहले ही धनदेव काम करने के लिए कुवैत गया था। धनदेव के परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद इमारत को कुवैत सरकार द्वारा खाली करवाया जा रहा था और 22 जून को धनदेव ने परिजनों से उन्हें टिकट भेजने को कहा, लेकिन 24 जून को धनदेव द्वारा परिजनों को टिकट भेजने को मना कर दिया गया। धनदेव की पत्नी राधा ने बताया कि उसी दिन से ही धनदेव का नंबर बंद हो गया है। माता मथुरा देवी ने कहा कि घर में कमाने वाला वही इकलौता सदस्य है। परिजनों ने सांसद कंगना रनौत से मुलाकात कर धनदेव को जल्द तलाश करने की गुहार भी लगाई है। 24 तारीख को शाम को बात हुई उनसे, फिर दूसरे दिन से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ। वहाँ वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे। लास्ट टाइम उनके पिता की डेथ हुई थी, जुलाई महीने में आए थे वो, फिर 2-3 महीने घर में रुके थे और फिर उसके बाद 8-9 महीने हो गए उनको गए। तो उसके पापा एक्सपायर हुए तो वो आया था, उसके बाद वो गया। उसको कुछ पैसा भी लेना था कंपनी से, पहले काम किया था उसने 2-4 साल पहले, तो वो केस है वहाँ पर उसका। तो वकील ने भी बुलाया उसको भी आ जाओ जल्दी, आप घर बैठ गए तो आओगे। तो पापा भी भेजे थे, उसकी फाइल वगैरह उधर रह गई थी, तो हमने बोला रहने दे इधर ही, अब हम अकेला एक बेटा है मेरा, परिवार है, बच्चे मेरे, रहने दो, अब नहीं जाना बाहर। तो बोलता है मैं पैसा भी लेकर आऊँगा, वहाँ केस किया है तो वो कागज़ वगैरह मेरे रह गए थे उसमें, टाइम वो आ गया जल्दी से। फिर 24 को उसके से बात हुई थी थोड़ी सी बस, फिर 25 को उनको निकाला उन्होंने वहाँ से, पूरी बिल्डिंग खाली कराई उन्होंने, क्या बहुत बड़ा है वहाँ पर गामा। तो उस दिन के बाद फिर उसका फोन बंद ही आ रहा है। वहीं धनदेव के मामा हंसराज ने बताया कि धनदेव की तलाश के लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। धनदेव के पास पासपोर्ट, वीजा सहित सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। कुवैत में उसके साथियों ने भी धनदेव की तलाश की, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। फ़ोन नंबर इसका व्हाट्सएप नंबर चल जाता है, वो जो इंडिया का नंबर था उसी से बात होती थी। जो वहाँ का नंबर है, जो नेट कनेक्शन वहाँ का है कुवैत का, वो हमारे पास है नहीं। और जो वहाँ लोकल हमने पता करवाया, जो उसके दोस्त थे वो तो और पर चले गए वहाँ, बिल्डिंग खाली हुई, वो तो हमें भी पता नहीं वहाँ है नहीं, हमें भी नहीं मिल रहा है, वो लोकल टीम वहाँ है नहीं वहाँ। अब उसका पता नहीं कहाँ है, क्या किस हालत में, क्या अरेस्ट है, क्या किया है। उसके पास 17 जुलाई का वीजा था उसके पास, अभी वीजा है उसके पास, पासपोर्ट उसके पास है, वीजा उसके पास है, 17 जुलाई वीजा दिखता है, पर लोकेट नहीं हो रहा है ना, पता लग रहा है उसको कहाँ है। हमारी मांग है उसको जल्दी पता लगाया जाए, उसको घर यहाँ पर लाने का प्रबंध किया जाए।